अर्जुन वर्सेस कर्ण भाग दो। प्रिय भक्तों, पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे एक माँ अपने दो पुत्रों के जीवन के लिए छटपटा रही थी। अब महाभारत युद्ध के 16वें दिन भगवान कृष्ण के कहने पर कर्ण को युद्ध के लिए ललकारते हुए अर्जुन ने अपने गांडीव से तीर छोड़ा। प्रिय भक्तों, ऐसी ही धार्मिक व रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। हे अंगराज, मेरे भांजे अर्जुन के युद्ध का निमंत्रण स्वीकार करो। आज वो समय आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा मैं वर्षों से कर रहा था। हे अंगराज, शायद आप विराट युद्ध की अपनी दुर्दशा भूल गए हैं। कोई नहीं, आपकी इच्छा इस रणभूमि में अवश्य पूरी की जाएगी। व्यर्थ का क्या प्रलाप करना, योद्धा की भांति युद्ध करो। सावधान अर्जुन। पार्थ, अंगराज के बाणों से स्वयं की रक्षा करो। ऐसे ही दोनों महारथियों में प्रलयकारी युद्ध होने लगता है, परंतु आज कर्ण अर्जुन के हर बाण को निष्फल कर रहा था। तभी कर्ण अपने बाण से अर्जुन को घायल कर देता है। उसके उपरांत कर्ण श्री कृष्ण के ऊपर भी बाणों से वर्षा करने लगता है, जिससे श्री कृष्ण का कवच टूट जाता है और कर्ण का एक बाण भगवान कृष्ण को घायल कर देता है। ये सब अर्जुन के रथ की पताका के ऊपर विराजे हनुमान जी से देखा नहीं गया और अति क्रोधित होकर हनुमान जी गरजते हुए कर्ण के ऊपर हमला करने वाले ही होते हैं कि तभी श्री कृष्ण हनुमान जी को ऐसा ना करने का आदेश देते हैं। पार्थ, आपसे मैंने क्या कहा था, आज का युद्ध चिरकाल तक याद किया जाएगा। अब समय आ गया है, अब तुम अपने दिव्यास्त्र का प्रयोग करो। सामान्य बाणों से कर्ण को पराजित करना संभव है। इसके बाद अर्जुन दिव्यास्त्र का स्मरण करके कर्ण की तरफ छोड़ देते हैं। कर्ण भी प्रतिउत्तर में दिव्यास्त्र छोड़ता है और वो दोनों ही दिव्यास्त्र मध्य मार्ग में ही भस्म हो जाते हैं। तभी कर्ण के पास नागराज तक्षक का पुत्र अश्वसेन आता है। हे अंगराज, मैं नागराज तक्षक का पुत्र अश्वसेन हूँ। अर्जुन से आपकी ही तरह मेरा भी प्रतिकार है, क्योंकि खांडव वन में अर्जुन ने समस्त नाग कुल के साथ मेरी माता की हत्या कर दी थी। इसलिए आप मुझे अपने बाण पर बिठाकर अर्जुन की तरफ छोड़ दें। अर्जुन मेरे विष से तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। हे अश्वसेन, ये युद्ध नियम के विरुद्ध है। अतः हे नागराज, मैं आपकी इस कार्य में सहायता नहीं कर पाऊंगा। कर्ण से ये सब सुनकर अश्वसेन निराश होकर वहाँ से चला जाता है, परंतु अपनी नाग माया से कर्ण के तर्कश में एक नाग बाण के रूप में अश्वसेन बैठ जाता है। तभी कर्ण अश्वसेन रूपी नाग बाण को अर्जुन की तरफ छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण बिना देर किए बाण के रूप में अश्वसेन को पहचान लेते हैं। पार्थ, अश्वसेन के विषघात से बचो। अर्जुन को सतर्क करने के बाद श्री कृष्ण अपने पैर से रथ के एक ओर की जमीन को थोड़ा दबा देते हैं, जिससे रथ थोड़ा टेढ़ा हो जाता है और अश्वसेन रूपी नाग अर्जुन के समीप से होकर निकल जाता है। अश्वसेन अपने उद्देश्य में विफल होकर कुरुक्षेत्र से निराश होकर चला जाता है। हे मधुसूदन, कर्ण से ऐसी कायरता की उम्मीद नहीं थी। हे पार्थ, कर्ण एक महान योद्धा है, तुम उसको गलत ना समझो। कर्ण ने अश्वसेन के आग्रह को पहले ही अस्वीकार कर दिया था। अश्वसेन तो छल से आया था। इसके बाद फिर से अर्जुन और कर्ण के मध्य प्रलयकारी युद्ध होने लगा। आज मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कर्ण पांडवों की समस्त सेना का नाश कर आज ही महाभारत के युद्ध पर विराम लगा देगा। ये देखकर दुर्योधन और शकुनि अति उत्साहित थे। तभी कर्ण दिव्यास्त्र का आह्वान करता है, परंतु गुरु परशुराम के श्राप के कारण
वो अपनी समस्त विद्या भूल जाता है। अर्जुन से युद्ध करते करते कर्ण के रथ का पहिया जमीन में समा गया था, जिसके बाद कर्ण अपने विजय धनुष को रथ पर छोड़कर अपने रथ के पहिए को बाहर निकालने का असफल प्रयास करता है। हे पार्थ, अंजुलिका दिव्यास्त्र का आवाहन करो और तत्काल ही कर्ण का वध कर दो। हे मधुसूदन, कर्ण इस समय निहत्ता है, ये युद्ध नियम के विपरीत व्यवहार है। हे पार्थ, तुम्हें अभिमन्यु की निर्मम हत्या याद नहीं है क्या? भरी सभा में पतिव्रता द्रौपदी को इसी कर्ण ने वैश्य कहा था, क्या तुम्हें ये भी याद नहीं है? हे पार्थ, यहाँ उचित अनुचित का प्रश्न नहीं उठता है, शस्त्र उठाओ। अंगराज सावधान! हे अर्जुन, मेरे रथ का पहिया जमीन में समा गया है और मैं निशस्त्र भी हूँ, तो इस समय मेरे ऊपर प्रहार करना सर्वथा युद्ध के नियम के विरुद्ध है। हे अंगराज, ये युद्ध के नियम अभिमन्यु वध के समय कैसे भूल गए, जब बड़ी ही निर्ममता से मेरे अभिमन्यु का वध किया गया था। अंगराज अर्जुन के कहे शब्दों से निरुत्तर हो जाते हैं और अर्जुन का अंजुलिका अस्त्र कर्ण के सीने में जा लगता है। कर्ण कुरु रणभूमि में बेसुध होकर गिर जाते हैं। बाण के प्रतिघात से कर्ण सिर्फ घायल हुआ था, वो बाण के घाव से अत्यधिक पीड़ा में था। ये देखकर श्री कृष्ण घायल कर्ण के समीप जाते हैं। हे दानवीर कर्ण, आपने संपूर्ण जीवन काल में अधर्म और अन्याय का ही साथ दिया, परंतु आपने अपने दान गुण और मित्र वत्सलता का बड़ा ही अनुपम ढंग से निर्वहन किया है, जिस कारण अंजुलिका का अस्त्र सिर्फ आपको घायल कर पाया है। क्योंकि आज आपके पाप कर्म पर आपके पुण्य कर्म का धर्म काटा ऊपर आ गया है, इसलिए आप अपना देह त्याग नहीं पा रहे हैं। अतः हे कर्ण, अपने पुण्य का एक भाग मुझे अर्पित कर दें, जिसके उपरांत आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हे केशव, मैं अवश्य ही अपने पुण्य का एक भाग आपको दान स्वरूप दूंगा। हे केशव, आज तक मैंने जो भी दान किया है उसके प्रतिफल स्वरूप कुछ नहीं मांगा है, परंतु मृत्यु के निकट ये राधे पुत्र अवश्य ही आपसे वरदान मांगने की चेष्टा रखता है। हे दानवीर कर्ण, मैं अमृतत्व के अलावा कोई भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने का वचन देता हूँ। हे केशव, स्वयं मैं इस जीवन से मुक्ति की अभिलाषा रखता हूँ, अपितु अमृतत्व तो मेरे लिए इस जीवन में अभिशाप है। अतः आप मेरे पुण्य कर्मों के प्रतिफल में मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु के उपरांत मेरा दाह संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहां आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक वहां पर कोई पाप ना हुआ हो। हे राधे, आपके प्रति मेरी श्रद्धा और बढ़ गई। आप युगो युगो तक अपने दान गुण के कारण समस्त आर्यवर्त में दान वीर कर्ण के नाम से जाने जाएंगे। मैं आपकी इस अंतिम इच्छा को पूर्ण करने का वचन देता हूँ, और ऐसा सौभाग्य आपके अलावा ना किसी को मिला है और ना कभी मिलेगा। कर्ण ये सुनकर अपने सारे घाव की पीड़ा को भुलाकर हंसते हुए अपने पुण्य कर्म का एक हिस्सा भगवान श्री कृष्ण को दान कर देता है, और इसके उपरांत कर्ण अपने नश्वर शरीर का त्याग करके अपने पिता सूर्यदेव के धाम चला जाता है। कर्ण की मृत्यु के उपरांत श्री कृष्ण अपनी योग माया से समस्त भूमंडल में विचरण करते हैं, परंतु उन्हें ऐसा कोई स्थान नहीं मिलता जहां कभी पाप ना हुआ हो। श्री कृष्ण कर्ण की भक्ति भाव और दान वीरता से प्रसन्न होकर सहसा विराट रूप धारण करते हुए विधि विधान के साथ अपने दोनों हाथों पर कर्ण के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार करते हैं, क्योंकि नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का शरीर ही एकमात्र ऐसा स्थान था जहां कभी कोई पाप नहीं हुआ था। प्रिय दर्शकों, अगर अर्जुन और कर्ण के मध्य कौशल और ज्ञान की समीक्षा की जाए तो दोनों लगभग एक समान गुण वाले दो महारथी थे। धर्मशास्त्रों में ये वर्णन मिलता है
कि कर्ण मल्ल युद्ध का एक श्रेष्ठ योद्धा था। अगर अर्जुन की श्रेष्ठता देखी जाए तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण और गुरु द्रोण का सानिध्य प्राप्त होने के साथ ही साथ अनेकानेक दिव्यास्त्र उनके अक्षय तर्कश की शोभा बढ़ा रहे थे। वहीं कर्ण जन्म के उपरांत अपनी माता द्वारा त्याग दिया जाता है और एक निम्न कुल के दंपत्ति द्वारा कर्ण का पालन पोषण किया जाता है। वहीं अर्जुन के राज वैभव की तुलना में अगर ये देखा जाए तो कर्ण का संपूर्ण जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। अत्यंत योग्य और पराक्रमी होने के बावजूद उसे गुरु का ज्ञान अर्जुन की भांति प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि वो ना तो ब्राह्मण था और ना ही राजकुल परिवार का सदस्य। इसके बावजूद उसने अपने गुरु परशुराम से ज्ञान अर्जित तो कर लिया, परंतु अपने गुरु से झूठ बोलकर शिक्षा अर्जन करने के कारण गुरु परशुराम ने उसकी समस्त शिक्षा को अभिशापित कर दिया। और तो और, इंद्रदेव द्वारा छल से कर्ण का कवच कुंडल भी छीन लिया गया। इसके बावजूद कर्ण ने अर्जुन पर अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने का हर संभव प्रयास किया। वैसे योग्य होने के बाद भी कर्ण की योग्यता के साथ कभी न्याय नहीं हो सका, सदैव उसे तिरस्कार का दंश झेलना पड़ा। तो प्रिय भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही हमें ये भी बताएं कि आप अगली कहानी किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।